इस बात में कोई शक नहीं है कि लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया था और इसके बावजूद वो कभी भी अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटाती थी और शायद यही वजह रही कि वो आज भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं। लता मंगेशकर जी 6 फरवरी सुबह 8 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गए और वहीं 6:30 बजे शाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। जब से लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं, लगातार फैंस अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरे भारत देश में उनकी आवाज गूंज रही है। लता मंगेशकर जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद लगातार हर कोई लता मंगेशकर जी को उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अगर अभी तक अगर आपने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है तो कमेंट सेक्शन में आकर ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। आपको बता दें लता मंगेशकर जी के निधन की वजह बताई जा रही है उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लता मंगेशकर जी के आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके बच्चे नहीं थे और उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी के पीछे काफी सारे लोग थे जिनमें उनके भतीजे बहन के बच्चे जैसे लोग भी शामिल थे। और कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर जी के करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जल्द से जल्द राज करने के लिए लता मंगेशकर जी को हालांकि इस पर लगातार कार्रवाई चालू है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस केस के बारे में तहकीकात करनी शुरू कर दी है। दोस्तों बहुत ही जल्द ये पता लग जाएगा कि क्या सचमुच लता मंगेशकर जी को जहर दिया गया था या फिर ये महज एक अफवाह है। दोस्तों क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।